कोरोना संकट का असर अब दिन ब दिन अर्थव्यवस्था पर पड़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने वाले सारे सेक्टर लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं। इस समय शायद ही ऐसा कोई देश हो जो कोरोना के प्रकोप से बच पाया हो। आप कोरोना के प्रकोप का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई देशों में इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि वहाँ लाशों को दफनाने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। अब तक कोरोना वायरस ने महाशक्ति अमेरिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। कोरोना वायरस से एक तरफ तो मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना अर्थव्यवस्था पर मार कर रहा है। दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कोरोना से होने वाली मार को अर्थव्यवस्था पर देख रहे हैं। भारत के अर्थशास्त्री भी इससे चिंतित हैं और उनका मानना है यह मंदी अब तक की सबसे बड़ी मंदी होगी। हम आज़ादी के बाद ऐसी बड़ी मंदी को देखेंगे। हर सेक्टर इस संकट की घड़ी में सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा राहत पैकेज दिया जरूर गया है, लेकिन यह बहुत ही कम है। अर्थव्यवस्था के संकट को देखते हुए अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर मनी प्रोग्राम शुरू करने की मांग की है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी है क्या और भला इससे अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा? हम आपको हेलीकॉप्टर मनी प्रोग्राम को समझाते हैं, आखिर यह कैसे अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकता है। हेलीकॉप्टर मनी में सेंट्रल बैंक बेहिसाब पैसे की छपाई करता है और वह पैसा सरकार को देता है। इसकी खासियत यह है कि यह पैसा रिफंड नहीं करना होता है। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, जिससे मांग और महंगाई में तेजी आती है। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमैन ने वर्ष 1969 में हेलीकॉप्टर मनी को कुछ इस तरह समझाया था, केंद्रीय बैंक नोट छापें और सरकार को उसे खर्च करने दें। ये सरकार पर किसी कर्ज की तरह नहीं है। कई अर्थशास्त्री हेलीकॉप्टर मनी को खतरनाक भी मानते हैं, इससे नुकसान भी हो सकता है। अर्थ जगत के सिद्धांतों के अनुसार हेलीकॉप्टर मनी को तब इस्तेमाल में लाया जा सकता है जब आर्थिक संकट अपने चरम पर हो। यह एक अंतिम विकल्प है। जिन देशों ने हेलीकॉप्टर मनी को इस्तेमाल किया है, वहाँ पैसों की कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं रह गई थी। पहली तस्वीर जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की आती है। वहाँ बेहिसाब नोट छापे गए थे, उनकी कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं रह गई थी। अब यह देखना होगा, क्या भारत सरकार भी हेलीकॉप्टर मनी प्रोग्राम को अमल में लाती है या नहीं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।